राम सेतु ने रिलीज से पहले कर दिया बड़ा कारनामा। अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस वाली पहली होगी फिल्म। इस समय साउथ की फिल्मों का बोलबाला चल रहा है। लोग स्टारकास्ट से नहीं बल्कि स्टोरी की वजह से थिएटर्स जा रहे हैं, क्योंकि साउथ की फिल्म में हर कुछ नया दिखाया जा रहा है जो एक फिल्म में होना चाहिए। इसलिए बॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी अब इस बात को ध्यान में रखकर कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में 9 सितंबर को रिलीज हुई रणबीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र फिल्म है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। उन्होंने फिल्म में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। बता दें कि ब्रह्मास्त्र फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के लेवल का VFX यूज किया गया और अयान का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा और ब्रह्मास्त्र फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई। ठीक इसी तरह अब एक और फिल्म आ रही है जिसमें भी कुछ ऐसा नया होने वाला है जो अभी तक इंडियन सिनेमा की फिल्मों में कभी नहीं हुआ। वो है अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु। राम सेतु फिल्म के डायरेक्टर ने भी इस फिल्म में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो अभी तक किसी भी इंडियन सिनेमा में नहीं देखा गया। जी हाँ, राम सेतु फिल्म में अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया है, जिसमें पानी के अंदर जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और ये सीक्वेंस मुंबई में शूट किया गया है। अंडर वाटर एक्शन सीन को इंटरनेशनल क्रू के साथ शूट किया गया। ऐसा पहली बार किसी भी इंडियन फिल्म में देखा जाएगा कि एक पूरा सीक्वेंस ही पानी के अंदर शूट होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दे दे तो दमन में श्रीलंका को दोबारा बनाया गया है और इस एक्शन एडवेंचर लुक को बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। ये सब देखकर कहा जा सकता है कि टीम इस फिल्म को हिट बनाने के लिए कड़ी मेहनत से काम कर रही है। अब देखना होगा कि ये फिल्म क्या नया कमाल दिखाती है। राम सेतु फिल्म के रिलीज की बात करें तो फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। अक्षय की इस फिल्म के साथ अजय देवगन स्टार फिल्म थैंक गॉड भी दिवाली पर ही रिलीज होगी। अब ये देखना और भी इंटरेस्टिंग हो गया कि कौन सी फिल्म ऑडियंस को अपनी ओर खींचती है। आप इस नई तरह की फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।